नमस्कार दोस्तों, अगर आपका रॉड या प्लेट लगा हुआ है और रॉड और प्लेट निकल जाए तो कितना दिन में हम सभी काम कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, कूद सकते हैं? ये सवाल बहुत लोग हमसे पूछते हैं, यूट्यूब पे, फेसबुक पे या फिर क्लिनिक में भी आके पूछते हैं। अगर आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो अंत तक हमारे इस वीडियो से जुड़े रहिएगा। मैं डॉक्टर रामेश्वर, ऑर्थोपेडिक सर्जन, एंटरप्रेन्योर, सोशल एक्टिविस्ट एंड चेयरमैन ऑफ श्री साईं ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल। आई एम प्राउड फादर ऑफ टू सन एंड हस्बैंड ऑफ ए लवली वुमन। जब हम लोग हड्डी के मरीज का इलाज करते हैं तो ये बहुत ही कॉमन रहता है, क्योंकि कोई भी रॉड अगर आप डालें, चाहे कोई भी प्लेट डालें, तो उसको निकालना पड़ता है। कोई भी ऐसा रॉड होता ही नहीं है जो गल जाए। ऐसा बहुत लोग बोलते हैं कि गल जाने वाला है, इससे कोई दिक्कत नहीं होता। दिक्कत तो बहुत सारे रॉड, कोई भी रॉड डालेंगे तो कितना बार नहीं होता है, लेकिन कायदे अनुसार 2 साल में निकलवा लेना चाहिए। वो अपने डॉक्टर से पूछिएगा कितना दिन में निकलवाने का। और 2 साल इसलिए क्योंकि उस वक्त तक हड्डी जुड़ जाता है। अब हड्डी जुड़ गया तो प्लेट का कोई काम नहीं है, रॉड का कोई काम नहीं है, तो निकालना पड़ता है। निकालने के बाद से कितना समय लगता है हमको नॉर्मल काम में आने के लिए, कितना समय लगता है दौड़ने के लिए, कूदने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए? तो आप निकालने के 10 दिन बाद, जब तक आपके टाके रहते हैं, थोड़ा हम लोग रेस्ट के लिए बताते हैं, टाके एक बार निकल गए, स्टिचेज एक बार निकल गए, तो आप हर एक्टिविटी कर सकते हैं। आप दौड़ सकते हैं, कूद सकते हैं, खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, वॉलीबॉल खेल सकते हैं, आप गाड़ी चला सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये बहुत लोगों का कंफ्यूजन रहता है कि रॉड निकालने के बाद से हमारा पैर कमजोर जाता है। अगर आपका सचमुच हड्डी जुड़ गया है तो रॉड निकालने के बाद से भी पैर कमजोर नहीं होता है, क्योंकि कोई भी रॉड हड्डी से इतना मजबूत नहीं हो सकता है, क्योंकि हड्डी एक जिंदा चीज है, रॉड एक जिंदा चीज नहीं है। हड्डी को भोजन मिलता है, रॉड को भोजन नहीं मिलता है। तो कभी भी जो मुर्दा चीज जिंदा चीज इतना मजबूत नहीं हो सकता है। और एक बार आपका हड्डी सचमुच जुड़ गया है और रॉड निकल गया तो आप इमीडिएटली सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब तक टाके नहीं खुले हैं तब तक हम लोग राय देते हैं कि थोड़ा रेस्ट रखना है। लेकिन आप बाथरूम वगैरह जा सकते हैं, जब तक टाके नहीं भी निकले हैं तब भी थोड़ा मोड़ा चल फिर सकते हैं, लेकिन दौड़ना कूदना बचाते हैं। लेकिन एक बार टाके निकल गए तो सब कुछ कर सकते हैं, सब एक्टिविटी कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको मेरे इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला होगा। अगर आपको लगता है कि कुछ वैल्यू मिला तो जरूर इसको शेयर करिएगा। अगर आपके मन में कोई भी फ्रैक्चर से नहीं जुड़ रहा है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करता हूं कि सभी का रिप्लाई दूं। एक चीज और करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि देखते हैं लोग लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। थैंक यू। थिंक हेल्दी, बी हेल्दी।